Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, myself Shivaji Kale is going to discuss about 5th May. Here in the first news, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भैया, यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है क्या? तो उन्होंने बोला है कि 31st का जो एग्जाम था वो तो पोस्टपोन हो गया है एंड द कन्फर्म डेट दे विल रिव्यू द सिचुएशन अगेन ऑन द 20th May, 20 मई को रिव्यू करेंगे एंड बाद में वो डेट डिसाइड करेंगे. लेकिन उन्होंने एश्योरिटी भी दिया है स्टूडेंट को कि भैया कुछ भी हो जाए, डेट डिक्लेरेशन के बाद कम से कम 30 दिन का विंडो रहेगा जिसके बाद ही एग्ज़ाम आपको देने को मिलेगा. तो आपको लिया भैया, देखो पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन इससे हम लोग एक चीज़ लेते हैं. देखो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने स्टूडेंट लोगों के लिए एक लेटर लिखा है, इसमें मैंने 2-3 चीज़ों के बारे में गौर किया है. देखो तो पर्टिकुलरली अभी 5 मई है, तो टिल द 20th of May वी कैन से दैट वी हैव अ 15 डेज का विंडो. सो हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर विंडो? तो देखो भैया, बहुत दिनों से हम लोग प्रीलिम का ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, GS पढ़ रहे हैं, MCQ सॉल्व कर रहे हैं. तो थोड़ा सा क्या करते, एक 15 दिन का विंडो लेते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे स्ट्रैटेजी में, जिसमें थोड़ा फोकस हम लोग मेंस के एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है? और मेंस में क्या करेंगे, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आवर ऑप्शनल का, है कि नहीं, सब्जेक्ट का. और जो मेंस के स्पेसिफिक GS टॉपिक है, जो प्रीलिम के बारे में हम लोग थोड़ा सा नहीं पढ़ते, उसको हम लोग एक बार एक ब्रशअप कर लेंगे. ऑल्सो विद दैट हम लोगों ने बहुत दिनों से योगना मैगजीन नहीं पढ़ी है तो उसको भी ले लेंगे. और उसके साथ साथ जो ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ऐसे को बारे में तो हम लोग भूल ही गए बहुत दिनों से, तो ऐसे के रिलेवेंट जो भी टॉपिक इस पर्टिकुलर 2-3 महीने में आए हैं जब से हम लोगों ने प्रीलिम का एग्जाम शुरू किया, दैट वी विल टेक आउट एंड वी विल ट्राई टू जिसको बोलेंगे कलेक्ट द कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स, ठीक है? और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है. तो हम लोग देखो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो एंड कीप योर मोमेंटम अप, ठीक है? तो इसका बहुत जरूरी है भैया, जो आपका इनर्शिया आ गया है उसको शेड करो, इनर्शिया को दूर भगाओ, ठीक है? एंड अपना मोमेंटम वापस लेके आओ. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जब UPSC करने का सोचा था तो हौसला तो बहुत बड़ा बनाया था. देखिए इसलिए आपके लिए 2 पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी है, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कैद आसमान का, ठीक है? तो आसमान का कद छोटा है हमारे हौसलों के सामने. तो भैया काम करते रहो, लेकिन काम करते समय एक चीज़ बहुत याद रखना कि स्टे सेफ बट स्टे इन योर कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो चलो आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. पहला देखो क्या है, कोरोना वायरस एपिसेंटर महाराष्ट्र फ्रीजेस ऑल द डेवलपमेंट स्पेंड फॉर ईयर, नो न्यू हायरिंग. तो देखो भैया एक्चुअली ये हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं और आगे की न्यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए है, तो उसमें कंपैरिजन भी करेंगे. पहले देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का. तो उन्होंने देखो भैया यहाँ पे दो न्यूज़पेपर की न्यूज़ हम लोगों ने आपके लिए कोरिलेट किए हैं, एक साथ कंबाइन किए. ये इंडियन एक्सप्रेस वाला न्यूज़ है और ये हिंदू वाला न्यूज़ है, ठीक है? तो आपकी सुविधा के लिए इसको एक जगह पे लिया है. तो क्या देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन खुद के ऊपर लगा लिए. देखो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा लिए, हिंदू के न्यूज़ में बहुत अच्छी एनालिसिस दी है उन्होंने. पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की है कि कोई भी नई स्कीम कोई भी डिपार्टमेंट नहीं शुरू करेगा इन दिस पर्टिकुलर करंट फिस्कल, बिकॉज एनी पर्टिकुलर स्कीम विल रिक्वायर अ रेवेन्यू प्रोविजन. तो अभी ऑलरेडी रेवेन्यू इज स्ट्रेस्ड, तो आप भैया नई चीज़ें नहीं शुरू करोगे, बारिंग पर्टिकुलरली रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ होगा या फिर मेडिकल एजुकेशन या फूड एंड सप्लाईज के रिलेटेड होगा, तो उनको प्रायोरिटी डिपार्टमेंट बोला गया है, तो इनके कामों को प्रायोरिटी दी जाएगी. इसके रिलेटेड अगर कोई स्कीम आप कर सकते हो या नई पुरानी वाली स्कीम को आप रिवाइव कर सकते हो तो दैट इज ओके विद द गवर्नमेंट. तीसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट की गई है इज अबाउट पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो कोई भी नई नहीं ली जाएगी एक्सेप्ट प्री मानसून वर्क के लिए. बाकी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, नई बिल्डिंग बनानी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस की या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी है तो उसको फिलहाल नहीं लिया जाएगा, ठीक है?
फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने कहा है कि भैया रिक्रूटमेंट उन्होंने फ्रीज कर दिया है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो भैया जिन जिन लोगों का स्टेट पीएससी है उनको आपको अपने अपने स्टेट पीएससी के साथ पूछ के देखना पड़ेगा कि इस साल का उनका एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पांचवी चीज उन्होंने इंपॉर्टेंट कर ली है कि जो भी ट्रांसफर्स होते हैं ऑफिशियल्स के पीरियडिकल वो उन्होंने सस्पेंड कर लिए। और उसके पीछे एक्चुअली दो लॉजिक है, क्या दो लॉजिक है, एक तो भैया ट्रांसफर के लिए लगेगा पैसा, ठीक है, वो पैसा नहीं खर्च होगा, और दूसरी चीज रहेगी कि पर्टिकुलर पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ ऑफिसर देयर इट विल मेक द कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसके लिए अगर आप देखोगे एक्चुअली तो बहुत सारी कमिटीज ने, एआरसी ने भी रिकमेंडेशन दिया है कि भैया कम से कम 2 से 3 साल तक आपको किसी भी ऑफिसर को एक जगह पे रखना जरूरी है, बट दिस कंडीशन इज वेरी डिफरेंट, इसके लिए उन्होंने फिलहाल तो सारे ट्रांसफर रोक दिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके जो जो ट्रेजरी में पैसे जमा थे, जो अनस्पेंड मनी था, वो बात वापस आप क्या करो स्टेट ट्रेजरी में ट्रांसफर कर दो। तो बहुत बड़ा भैया पैसे का प्रॉब्लम होने वाला है बिकॉज द रेवेन्यू हैज डिक्रीज्ड। क्यों? उसका तीसरा आर्टिकल हम लोग आज जो लेंगे स्टेट टैक्स रेवेन्यूज का, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम लोग जो दूसरा आर्टिकल आज देखने वाले हैं रिलेटेड टू झारखंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो ये देखो भैया ये थोड़ा सा अलग अप्रोच झारखंड गवर्नमेंट ने लिया है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या कर दिया है, 3 नए स्कीम लॉन्च कर दिए, देखो, ठीक है। कौन कौन से 3 नए स्कीम लॉन्च कर दिए, तो देखो यहाँ पे नाम लिखे उन्होंने, एक हरित ग्राम योजना, ठीक है, एक जल समृद्धि योजना एंड तीसरा खेल विकास योजना। तो ये देखो क्या क्या किया है, तो ये जो हरित विकास योजना है इसमें वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, तो दे आर ब्रिंगिंग 2 लाख एकर्स ऑफ अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड अंडर द अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में लाएंगे इसको, अफॉरेस्ट्रेशन में लाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, दे आर गिविंग अबाउट 100 फ्रूट सैम्पलिंग्स टू द पीपल ए ईच फैमिली दैट विल गो एंड प्लांटेड एंड सब After some years that will start bearing the fruits, और उससे उन्होंने calculate किया कि annually 50,000 रुपये तक उस particular family को मिलेंगे in the future, ठीक है, तो that is also a good thing। दूसरी स्कीम देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इज अबाउट जल समृद्धि योजना, ठीक है, इसका aim क्या है भैया, तो actually creating a agro water storage units by arresting the rain water and runaway groundwater। तो ये भैया जल का स्रोत अपने तैयार करेंगे, वाटर ग्राउंड वाटर लेवल आप क्या कराओगे बढ़ाओगे, तो दिस इज गुड थिंग, इसका भी फ्यूचर में जाके लोगों को फायदा होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अप हो जाएगा। और तीसरी स्कीम देखो उन्होंने क्या की है, इज अबाउट खेल विकास योजना, ठीक है, तो उसमें दे आर टारगेटिंग टू बिल्ड अबाउट 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो होमवर्क के लिए यहाँ पे एक चीज ले लेना आप पर्टिकुलरली, ठीक है, खेल लो भारत ये स्कीम के बारे में आज आप घर पे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो भैया देखो इसमें अभी हम लोग दो चीजें यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो पर्टिकुलरली ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना खुद का स्ट्रेटजी है और झारखंड गवर्नमेंट का अपना एक खुद स्ट्रेटजी है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे पढ़ोगे तो एक में क्या कर रहे हो, दे आर डिक्रीजिंग द स्पेंडिंग, और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे, दे आर इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग। तो कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी प्रूडेंट है इसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो एक में क्या करोगे, वॉट एवर द गवर्नमेंट रेवेन्यूज यू हैव यू विल प्रायोरिटाइज द एरिया एंड यू विल स्पेंड इट ओवर देयर ओनली। यहाँ पे आप क्या करोगे, पर्पजली यू विल इंक्रीज द स्पेंडिंग दैट विल गिव मनी इन टू द पीपल्स हैंड, तो लोगों के पास अगर पैसा आ जाएगा तो लोग उसको एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, एंड उससे बहुत ज्यादा क्या बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। तो दीज आर द 2 डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, तो दोनों भी प्रूडेंट है, उसकी अलग अलग इकोनॉमिक लॉजिक है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आके कोई एक अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइडलाइंस। तो अभी है नहीं, इसलिए अपना अपना हर स्टेट गवर्नमेंट खुद की तरफ से कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थर्ड न्यूज, देखो क्या ये थर्ड न्यूज,
व्हाई लीकर मैटर्स टू द स्टेट्स। तो अभी आपने देखा भैया कल से क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे लीकर शॉप्स ओपन कर दिए, तो लोग लगे भैया भीड़ करके लीकर शॉप के सामने, तो बहुत लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। किसी किसी ने बोला कि भैया यही लोग है जो अर्थव्यवस्था को अभी सुधारेंगे, तो क्या इसमें लॉजिक है? तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो गुजरात और बिहार छोड़ के ऑल ओवर द कंट्री ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द लीकर सेल। कैसे? तो भैया देखो, आरबीआई ने उसके लिए थे एक स्टडी किया था जिसके ऊपर आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंदर अल्कोहल अकाउंट में 10-15% ऑफ रेवेन्यू स्टेट कलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी, तो दिस इज अ गुड अमाउंट। 10-15% इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? तो इतना अमाउंट अगर आपको स्टेट की ट्रेजरी में ऐड हो रहा है तो रेवेन्यू के हिसाब से अल्कोहल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी। तो आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा रेवेन्यू क्यों होता है, क्या इतनी ज्यादा अल्कोहल खरीदी जाती है? तो उसका रिलेशन है, आपके लिए एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, सिन टैक्स, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक्स की बेसिक में आपको मिलेगा। तो सिन टैक्स देखो ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है या सर्विसेज पे लगाया जाता है जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, ठीक है? बट दे कैन नॉट सिंपली बैन इट बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट, लाइक से कि आप अगर देखोगे तो अल्कोहल या सिगरेट या निकोटीन प्रोडक्ट्स के ऊपर, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर अगर उन्होंने बैन कर दिया कंप्लीटली, तो बैन आप फॉर मतलब स्ट्रिंजेंटली अप्लाई भी कर सकते हो, बट पीपल आइदर विल शिफ्ट टू सम अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर गोइंग टू गिव देम हाई, ठीक है? तो इसीलिए वो प्रोडक्ट वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्करेज करने के लिए उसका कीमत बढ़ाएंगे। तो पर्टिकुलरली अल्कोहल के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा टैक्स लगाया। तो अभी देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली ये किया है, क्योंकि दिल्ली तो एक्चुअली आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, अल्कोहल के ऊपर बहुत कम टैक्स हुआ करता था एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो उन्होंने रिसेंटली क्या कर दिया है, देखो 70% उन्होंने हाइक कर दिया अपना लीकर का प्राइस के ऊपर टैक्स लगा के, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे और स्टेट्स ने भी कर दिया है, उसके अलग अलग नाम उन्होंने रखे हैं, ठीक है? और अगर आप देखोगे तो उन्होंने 3-5 स्टेट को कंपेयर करके भी यहाँ पे बताया, उसमें 3 हम लोग डिस्कशन के लिए लेते हैं कि इन उत्तर प्रदेश 25,000 करोड़ रुपीज ईयरली इज अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्साइज ड्यूटी, कर्नाटका में अबाउट 20,000 एंड महाराष्ट्र में अबाउट 15,000 करोड़ रुपीज मिलते हैं। तो दिस इज अ ह्यूज मनी। तो अभी तो पर्टिकुलरली ये कोरोना वायरस के वजह से बाकी गुड्स एंड सर्विसेज है नहीं, तो टैक्स रिकलेक्शन बहुत कम हो गया है, और सेंटर और स्टेट दोनों को रेवेन्यू लगेगा, पैसा लगेगा टू फाइट विद दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। सेंटर्स की तरफ से भी हेल्प आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है, तो स्टेट्स आर ट्राइंग टू जनरेट देयर ओन टैक्स रेवेन्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन की कौन कौन सी थिंग्स है, ठीक है? बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना। देखो स्टेट रेवेन्यू कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी क्लासिफिकेशन में कि दो टाइप के रेवेन्यूज है, एक तो टैक्स रेवेन्यू है जो स्टेट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाता है, कलेक्ट करता है और अपने खुद के यूज के लिए रखता है, उसको बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब ये टैक्स के थ्रू नहीं आ रहा है, देन इट विल बी कमिंग फ्रॉम सम अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट की कोई अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उसका प्रॉफिट आ रहा है, या कोई जिसको आप बोलोगे पेनल्टीज लगाए जा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं फॉलो किया तो आपको आरटीओ वाले टैक्स लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, तो वो इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है? आगे जाके हम लोग आज की चर्चा में देखेंगे टैक्स रेवेन्यू के दो टाइप है, स्टेट ओन टैक्स एंड शेयर इन द सेंट्रल टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू मतलब खुद कमा रहा है स्टेट अपना, और दिस इज कमिंग फ्रॉम द अनदर वज इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल डिविजिबल पुल। तो आज की चर्चा में हम लोगों को देखना है कि स्टेट ओन टैक्सेस कौन कौन से, तो तीन है भैया। देखो ये वाला पहला, देखो यहाँ पे स्टेट्स टैक्सेस ऑन इनकम, दूसरा देखो भैया यहाँ पे टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, एंड थर्ड देखो इंपॉर्टेंट वाला टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेस,
So these are the three important taxes that are owned by their own states in their tax revenue. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक यूपीएससी हमेशा प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चन में पूछती है. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. आगे एक बढ़िया न्यूज आया, देखो साइंस एंड टेक के हिसाब से हम लोगों को पढ़ेंगे इसको. क्या न्यूज है, देखो डीआरडीओ डेवलप्स अ डिसइंफेक्शन टावर. क्या नाम दिया इस डिसइंफेक्शन को, टावर को उन्होंने, देखो यूवी ब्लास्टर. क्या बढ़िया नाम दिया, देखो यूवी ब्लास्टर, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज लगाएंगे और अल्ट्रावायलेट रेज का क्या उपयोग करेंगे इसमें, तो पर्टिकुलरली जो एरियाज, ठीक है, जहां पे आप केमिकल मेथड से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, पर्टिकुलरली देखो आपकी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या आपकी अलग अलग टाइप की लैबोरेटरी है जिसमें आप जनरली जाके केमिकल नहीं स्प्रे कर सकते क्योंकि खराब हो जाएगा, तो उसमें आप ये अल्ट्रा वायलेट यूवी ब्लास्टर लगाएंगे जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है. और बढ़िया सी चीज उसमें किस कौन सी है, तो 12x12 का अगर आपका रूम होगा तो मतलब जनरली आप आपके लिविंग रूम जितना होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको 10 ही मिनट लगेंगे. तो भैया एक ही इंस्ट्रूमेंट आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाली चीजें साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स के हिसाब से आप देख के रखना. ठीक है, आगे जाते हैं. देखो अब आज हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन रखे हम लोगों ने एमसीक्यूज. ठीक है, और इसका क्या करेंगे, तो कल जो लेक्चर हुआ था हमारा 4th of May का, उसमें जो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है इसके ऊपर मैंने दो एमसीक्यूज बनाए हैं और इस एमसीक्यू का आप आंसर निकाल के रखना. आपके लिए एक मिनट में देता हूं, एक मिनट के बाद मैं इसके आंसर डिस्कस करूंगा, फिर आप देख लेना आपका आंसर सही आया या नहीं है. ऑल राइट, अभी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ऐसे समझते. तो देखो किसके ऊपर क्वेश्चन था भैया, ये वॉलंटरी रिटेंशन रूट स्कीम, कल ही पढ़ा था देखो हम लोगों ने. किसने लॉन्च किया था, ये आरबीआई ने लॉन्च किया था, है कि नहीं. और इसमें क्या किया है उन्होंने, पर्टिकुलरली देखो इट इज एम्ड एट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. सही है क्या, हाँ सही है. और दूसरी चीज क्या है, तो इट विल एनकरेज देम टू इन्वेस्ट इन अ डेब्ट मार्केट. डेब्ट मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करने के लगे ओवर एंड अबव देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द रेगुलर रूट. ऑब्वियसली यही तो उसका ऑब्जेक्टिव था, हेंस आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर स्कीम. तो क्या भैया क्या पूछा है उन्होंने, करेक्ट आंसर पूछा है. तो क्या करेक्ट आंसर है, बोथ 1 and 2. बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. देखो भैया सेकंड क्या एमसीक्यू है आज का, सेकंड एमसीक्यू इज अबाउट ओपन कोर्ट. ठीक है, तो याद आ रहा है कल के लेक्चर में एक सीजेआई का फोटो आया था अपने बोबड़े, है कि नहीं, और उनके यहाँ पे एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे केसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सॉल्व कर लिए. ठीक है, और उसके बारे में उन्होंने ओपन कोर्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया था आर्टिकल में. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है हम लोगों ने. तो पहली चीज उन्होंने बोला इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस इट इज करेक्ट. ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला इट मैंडेट्स ऑल द पार्टीज शुड हैव एक्सेस टू हियरिंग, एक्सेस टू हियरिंग होना चाहिए, सही है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, सही है. एक्सेस टू द कोर्ट हियरिंग होने चाहिए पब्लिक को एंड मीडिया को, ये भी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट वो क्या बोल रहे हैं, कोर्ट हियरिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज नॉट अलाउड इन सच कोर्ट्स. नहीं भैया, यही तो आर्टिकल में बताया गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है. ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये अलाउड है. ठीक है, तो भैया जिन जिन लोगों ने ये कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाके कल का वीडियो देखना, इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट दी जाएंगी. ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग हर रोज सॉल्व करते हमारे चैनल पे, हमारे चैनल का नाम है यूनिक डिस्कशन. यूपीएससी का ये चैनल है जिसमें टेलीग्राम के ऊपर आपको ये चैनल मिलेगा जिसमें जाके आप बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे इन दिस करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन. माई सेल्फ शिवाजी काळे साइनिंग ऑफ. थैंक यू.